आज हम जो इस मोर्चा में सम्मिलित हुए हैं, ये जो मोर्चा है संविधान सम्मान मोर्चा रैली, तो इस मोर्चे का उद्देश्य जो है कि हमारी जो एट्रोसिटीज़ को प्रतिबंध करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये मोर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें प्रमुख जो मांगे हैं हमारी कि एट्रोसिटीज़ जो कायदा है उसको स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए। दूसरा का हमारी डिमांड है कि जो एट्रोसिटीज़ रद्द करने के लिए जो कर रहे हैं उसको हमारा विरोध है। तीसरी बात है अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो दलित हैं लेकिन अभी अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको भी संरक्षण इस कायदे के अंदर मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो डिमांड है हमारी, वो जो ये है कि हमारे ऊपर जो ये एट्रोसिटी हो रही है उसको अगर हमको बंद करना है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पुणे करार के अंतर्गत जो एक डिमांड रखी थी, स्वतंत्र सेटलमेंट, सेपरेट सेटलमेंट फॉर SC ST, वो उसके ऊपर एक कड़क उपाय है। उसको हम मांग करते हैं कि सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट फुलफिज टाउनशिप फॉर SC ST शुड बी देयर। साथियों, ये जो संविधान सम्मान मोर्चा है, आज की स्थिति में जो महाराष्ट्र में मोर्चा चल रहा है एट्रोसिटी के विरोध में, हमारा सभी का यही कहना है कि जो भी SC ST OBC VGNT और अल्पसंख्यक समाज है, यह एट्रोसिटी एक्ट उन्हीं का कवच है। अगर वही कवच निकल लिया तो महाराष्ट्र के अंदर आज की स्थिति में जो ही अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जो हो रहा है, जैसे खोपड़ी बलात्कार केस के बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं, खरडा के बारे में कुछ तक अभी निर्णय हुआ नहीं, नासिक की जो 8 अक्टूबर में जो घटना हुई उसी के बारे में आज की स्थिति में कुछ पाया नहीं है। तो ये SC ST OBC VGNT के बारे में जो एट्रोसिटी का जो कवच है वो निकलने का मत प्रयास करिए। ये जो संविधान मोर्चा है, किसी पक्ष का, किसी पार्टी का, किसी संस्था का, किसी मंडल का नहीं है साथियों, ये सभी समाज का है, ये सोशल माइंड से है। आज हमने ये जो संविधान सम्मान मोर्चा का जो आयोजन किया है, हमारे बहुजनों का जो मूलभूत अधिकार है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम इन लोगों द्वारा चल रहा है। जो एट्रोसिटी का जो कानून है, जिसके तहत बहुजन लोगों को हमें जो न्याय मिलने का काम होता है उसको भी खारिज करने का काम कुछ चुने हुए लोग करने की साजिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज इस ठाणे शहर में, ठाणे जिले के अंदर हमने बहुजन समाज ने आज ये शांतिपूर्वक मुख मोर्चा का आयोजन किया है। आम्ही 1860 कायद्यांचा सुरक्षित राहण्यासाठी आम्ही सगळा महिला आणि दलित समाज इथं उपस्थित आलेले सगळ्या आम्ही बंधू आणि भगिनी, आमच्या खूप आमच्यावर अन्याय अत्याचाराचा खूप परिचारांनी आमच्यावर अन्याय अत्याचार होतोय। आमचा संविधान मधून जे काही आमचे कायदे आहेत त्या कायद्याला कुणी हात नाही।